गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग चैप्टर वन में कुछ विशेष बात वैभवशाली भारत की उपलब्धियां पढ़ने जा रहे हैं। हम चैप्टर पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास का वैभवशाली अतीत। इसमें मैंने आपको कल भारत में जिन जिन काल में, चाहे प्राचीन, मध्य या आधुनिक काल में, जो जो उपलब्धियां भारत की थी उसके बारे में सामान्य बात की थी। आज हम वैभवशाली भारत की उपलब्धियां, यानी ये जो भारत है इसमें कौन कौन सी उपलब्धियां ऐसी थी जो प्राचीन समय में थी और वह विश्व में अपना एक अलग स्थान रखती थी। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पॉइंट टू पॉइंट आप समझते जाएंगे और इसको कॉपी में नोट डाउन भी करेंगे। वैभवशाली भारत की उपलब्धियों में पहले मैं इसका अर्थ समझा दूं आपको कि ये वो भारत है जहां प्राचीन काल में सिंधु घाटी सभ्यता जैसी संस्कृतियां और उस तरह के लोग रहते थे, जहां वैदिक सभ्यता थी, बहुत सारी ऐसे ग्रंथकार, ऐसे ग्रंथ विद्वान वहां पर उपलब्ध थे। हम सबसे पहले वैभवशाली भारत की उपलब्धियों में विद्वान अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले है भारतीय संस्कृति का विश्व में संचार। भारतीय संस्कृति का विश्व में संचार। प्राचीन काल में सबसे बड़ा जो मार्ग था विश्व के अलग अलग स्थानों पर जाने का, वह मार्ग समुद्री मार्ग था। और इसी समुद्री मार्ग के माध्यम से भारत के कई विद्वान दूसरे देशों में पहुंचे और भारतीय संस्कृति की उपलब्धियां, भारतीय सभ्यता संस्कृति को प्रचार प्रसार करने का कार्य किया। जल मार्ग से वह जिन जिन देशों में पहुंचे वो थे जावा, सुमात्रा, चीन, मलाया और तिब्बत, मंगोलिया। कई ऐसे देश थे जहां भारतीय विद्वानों ने जाकर अपनी सभ्यता संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। यानी भारतीय संस्कृति सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जो है अपने कार्यों से जाने जाते थे। अब दूसरी उपलब्धि जो है वो है प्राचीन भारत में नाविक शक्ति। मैंने आपको कहा कि उस समय एक मार्ग महत्वपूर्ण था, वो था जल मार्ग। प्राचीन भारत में नाविक शक्ति। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्राचीन भारत में जो नाविक शक्ति थी वह 5 से 6 हजार वर्ष पूर्व सिंधु नदी में जो जलयान चलते थे वह उनका उल्लेख जो है यहां पर किया गया है। इसमें कई सारे बंदरगाहों का उल्लेख भी किया गया है। प्राचीन भारत में चूंकि नाविक शक्ति महत्वपूर्ण थी और बड़े बड़े जो समुद्री जो मार्ग थे और वो जहां समुद्री जहाज जो है जो आकर जहां रुकते थे वो बंदरगाह कहलाते थे। उस बंदरगाह में से मैं कुछ मुख्य बंदरगाहों के नाम बताऊंगा आपको जो खुदाई में मिले हैं। लोथल, सोपारा और धर्मकुच। ये महत्वपूर्ण बंदरगाह थे जहां पर समुद्र व्यापारी जो है वो जहाज के माध्यम से व्यापार किया करते। अब तीसरी उपलब्धि जो है वह है भारत में प्रागैतिहासिक पाषाण संस्कृति। मैंने कल भी आपको इस बारे में समझाया था कि कुछ काल थे प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। इसमें मुख्य रूप से भारत में प्रागैतिहासिक पाषाण युग जो है वो अपने आप में एक
महत्वपूर्ण युग। भारत में प्रागैतिहासिक पाषाण संस्कृति को तीन भागों में विभाजित किया गया है। हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, तीन भाग कौन कौन से हैं। सबसे पहला भाग जो है वो पूर्वपाषाण युग है, पूर्वपाषाण युग। उसके बाद दूसरा जो भाग है वो है मध्य पाषाण युग, और तीसरा जो भाग है वो है नवपाषाण युग। इन तीनों युगों में मानव का विकास जो है वो आदि मानव से मानव की तरफ बढ़ने की ओर है। धीरे धीरे मानव ने अपना विकास किया, पशुपालन और कृषि उसका विकसित रूप था, जो वर्तमान में भी आप देख सकते हैं। अब है चौथा पॉइंट, चौथी जो उपलब्धि है वैभवशाली भारत की, वो है प्रागैतिहासिक शिल्पकला। चित्रों को शेल कला कहा जाता था। आदिकाल में आदिमानव जो है वो गुफाओं में रहा करते थे, और गुफाओं में रहने के कारण उनकी जो कल्पनाएं थी, जो चित्र उनके मन या मस्तिष्क में जो थे, वो वहां की छतों, वहां की दीवारों को उकेरे जाते थे, और वो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है प्रागैतिहासिक काल शेल कला के रूप। अब देखिए आप पांचवी जो उपलब्धि है वह है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु नदी घाटी सभ्यता भी, सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कह सकते हैं आप इसे। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह विश्व में जितनी सभ्यताएं हैं उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सभ्यता है भारत की। सिंधु नदी के किनारे इसके कई नगर स्थापित थे, और जब खुदाई हुई तो वो नगर मिले, और उसमें जो अवशेष मिले उसी के आधार पर पूरी दुनिया को ये बताया गया कि भारत में एक बहुत बड़ी सभ्यता जो है वो स्थित थी। सिंधु घाटी सभ्यता में मैं उत्खनन के बारे में बता दूं आपको। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी, ये मुख्य नगर है सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा। और जो दूसरा मुख्य उत्खनन था वह राखनदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। राखनदास बनर्जी जिन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की। वर्तमान में ये दोनों स्थान जो है पाकिस्तान में स्थित हैं, लेकिन उस समय सिंधु घाटी, सिंधु नदी के ये दोनों मुख्य स्थल माने गए थे। आज मान जा रहे हैं मोहनजोदड़ो का उत्खनन जो है वो 1922 में राखनदास बनर्जी ने किया था। ये महत्वपूर्ण बिंदु है, आप इसको नोट कीजिए। तो हम लोग पांचवें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जो पांचवी उपलब्धि है वैभवशाली भारत की वो है सिंधु सरस्वती की प्रमुख विशेषताएं। सिंधु घाटी सभ्यता अपने आप एक महत्वपूर्ण सभ्यता, मैं बता चुका हूँ आपको, और इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानते हैं। सबसे पहली विशेषता है इसका जो नियोजन था, सुनियोजित नगर नियोजन। सुनियोजित नगर नियोजन ये आजकल के जो नगर देख रहे हैं आप, हालांकि ये सभ्यता बहुत ही प्राचीन और पुरानी सभ्यता है, जहां पर मानव का मस्तिष्क कितना विकसित था ये आप यहाँ के नगर को देखकर समझ सकते हैं। बहुत ही सुनियोजित नगर, व्यवस्थित जो इनके निवास स्थान है वो बनाए जाते थे, ठीक है, और व्यवस्थित रूप से इनके कार्य जो है वो अवशेषों में मिलते भी हैं, दिखते भी हैं। दूसरी जो विशेषता है वो है जल निवास।
सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वहां की जो मैं जल निकास की व्यवस्था की बात करूं तो एक व्यवस्थित जल निकास की प्रणाली थी, जो घरों से अलग अलग जो भी कॉलोनीज उनकी बनी हुई होती थी, जो मोहल्ले थे वहां से वो पानी जो है नालियों के माध्यम से मुख्य नगर से बाहर की ओर जाता और वहां पर बाहर की तरफ एकत्रित किया जाता था। तो जल निकास प्रणाली जो है वह प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता एक महत्वपूर्ण जल निकास प्रणाली कह सकते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण उत्खनन था या विशेषता कह लो आप लोग विशाल सिंघाना का, एक विशाल स्नानागार मिला है सिंधु घाटी सभ्यता के उदय में जो मोहनजोदड़ो में मिला है। ये एक महत्वपूर्ण स्नानागार है और यहाँ ये सामूहिक स्नानागार था जो सामाजिक रूप से भी एक चिन्ह के रूप में महत्वपूर्ण सफल के रूप में प्रतीत होता है। अगला जो पॉइंट है वो है विशाल जलाशय स्टेडियम। विशाल जलाशय स्टेडियम ये दोनों ही धोलावीरा को मिले हैं। धोलावीरा की खुदाई में ये विशाल जलाशय व स्टेडियम मिले हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण उत्खनन स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। धोलावीरा खुदाई में जलाशय और स्टेडियम मिले हैं। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो के साथ साथ हड़प्पा में भी मिला है। तो ये इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग बात कर रहे थे। ये वैभवशाली भारत की उपलब्धियां हैं, महत्वपूर्ण जो शेष उपलब्धियां हैं वो हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।